मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय एवरीवन, लाइक इतने दिनों बाद मिल रही हूँ। शायद देख आप लोग देख पाओगे, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, आप लोग कमेंट्स पढ़ा था। यू आर मिसिंग मी, थैंक यू सो मच। एंड आज का डेट है 4th मार्च, और अभी एक्चुअली मैं लाइक आज कॉलेज गई थी, तो मम्मी ने कुछ पार्सल भेजा था, तो कॉलेज जब गई थी उसी टाइम पे पार्सल आया। तो अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30, 2 आवर्स हो चुके हैं मुझे कॉलेज से घर आए हुए। लाइक 4:30 मैं आ गई थी रूम पे, और वही बस थोड़ा फ्रेश व्रेश हुई, और अभी मैं पार्सल खोलूँगी कि मम्मी ने मुझे क्या सेंड किया है। तो मम्मी ने बोला था रिकॉर्ड कर लेना कि क्या क्या सेंड किया है और गिफ्ट खोलते हुए रिएक्शन एंड ऑल। सो लेट्स अनपैक माय पार्सल। और आप लोगों ने मेरा वैक्सीनेशन का रिकॉर्डिंग देखा था, लाइक फर्स्ट वैक्सीनेशन का। सेकेंड वैक्सीनेशन फरवरी लास्ट वीक में भी हो गया, तो मेरा दोनों वैक्सीनेशन का डोज कम्प्लीट हो गया, और डोजेस कंप्लीट हो गया मतलब कि आई एम वैक्सीनेटेड नाउ। और बस लेट्स डू इट। सो एज आई वॉज ओपनिंग, मुझे मैक्सिमम कपड़े दिखे। मैंने वैसे बोला था मम्मी को, लेकिन इतना सारा नहीं बोला था। लाइक स्पेशल था, एक ड्रेस दिया है, आई विल शो यू दादा है। और लाइक ड्राई फ्रूट्स दिए थे, एक्चुअली प्लास्टिक बैग के अंदर था, मैंने इसको अभी ट्रांसफ़र किया है। मेरा लिप ग्लॉस है। सो लाइक आई हैव शोन यू, मैंने अनपैकिंग कर ली है और बहुत सारा ड्रेस निकला है। और इतना सारा ड्रेस निकला है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे इतने सारे। वैसे मेरा रूम आप लोगों ने नहीं देखा ना, उधर वाला कबर्ड मेरा है, इधर वाला मेरे रूममेट का है। और मेरी रूममेट का नेम दिव्या है और शी इज़ फ्रॉम तेलंगाना। ये कॉफ़ी कलर का कर्टन है एक्चुअली, लाइक मुझे रूम के लिए कर्टन चाहिए था। मेरे लाइक बेड के सामने ही ये है, क्या बोलते हैं, विंडो। सो मैंने कर्टन लगाया है एक्चुअली एक, बट फिर भी एक और चाहिए था डार्क कलर का। सो मम्मी ने कॉफ़ी कलर का सेंड किया है। अच्छा सेंड किया है, नो आई डोंट नो, ये मम्मी ने शो किया है या नहीं, बट आई डोंट नो, मे बी और मे बी नॉट। लाइक होपफुली दिख रहा है, मुझे उतना अच्छे से दिखाना नहीं आता, सॉरी फॉर दैट, बट या बहुत प्यारे हैं। लाइक ब्लैक मेटल का है, मैं निकाल रही थी उस टाइम पर, आपने ये देखा होगा साड़ी। ये एक्चुअली लाइक हमारे कॉलेज में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है ना, उसके लिए मम्मी को मैंने मांगा था एक साड़ी। तो ये मेरा वैसे क्लास 12 का फेयरवेल का साड़ी है, और आई जस्ट लव दिस साड़ी, और मेरे बहुत सारे लाइक अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं इस साड़ी के साथ। एंड दिस इज़ माई फेवरेट साड़ी, माई चॉइस। एक और चीज़ सेंड किया जो अनएक्सपेक्टेड था, लाइक मेरा फेवरेट चॉकलेट क्रिस्पिलो, एंड जो अनएक्सपेक्टेड था वो है क्रिस्पिलो, वो भी दो। तो मैंने मम्मी को भी कॉल किया था, मम्मी को बोला वो भी खा दो, वे बोले नहीं 7 तक वेट करो, मैंने बोला ठीक है। तो 2 क्रिस्पिलोस एंड एक ड्राई फ्रूट केक, और साथ में कैंडल। आई डोंट नो लाइक 7th को देखते हैं क्या होगा, बट मम्मा ने कैंडल सेंड किया है, ड्राई फ्रूट केक सेंड किया है, और मेरा मेन गिफ्ट लाइक दैट वॉज ड्रेसेस, उस पर
सबसे पहला ये ड्रेस है, लाइक ये ड्रेस है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, बट मैं जब ये पहनूंगी ना तब मे बी पिक्चर सेंड कर दूंगी मम्मी को, या फिर मे बी मैं प्लान कर रही थी बर्थडे को पहनने के लिए, लेट्स सी, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मम्मी। और है मेरे पास टी शर्ट्स, वो वन पीस था, और वन पीस तो एक और था लाइक दिस वन, ब्लैक एंड वाइट, ये भी एक ड्रेस है, और ये एक नाइट ड्रेस है, दिस वन इज अ नाइट ड्रेस, क्यूट स्माइली, ऑलवेज कीप स्माइलिंग राइट। और था टी शर्ट, सम टी शर्ट्स जिसपे एक पिंक कलर का टी शर्ट है, एक ग्रे है, एक रेड है, एंड एक ब्लैक है, ब्लैक स्टिल आई एम वेयरिंग अ ब्लैक अगेन, अ ब्लैक आई लाइक दैट कलर इन ड्रेसेस एक्चुअली। और मम्मी ने सेंड किया है स्टॉल्स, मैंने वैसे मम्मी को बोला था स्टॉल के लिए, लेकिन मम्मी को बोला था एक ही स्टॉल के लिए, लेकिन मम्मी ने मुझे तीन तीन सेंड कर दिया तो थैंक यू मम्मी ऑल वंस अगेन एक्चुअली। ये एक रेड कलर का स्टॉल है जिसपे थोड़े थोड़े वर्क है, इफ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ इट्स कैप्चरिंग और नॉट, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े वर्क है, नॉट दैट मच, कूल कूल, ये अच्छा, मुझे स्टॉल चाहिए था, लाइक हल्का सा अगर ठंड वन पड़ती है ना तो मैं जैकेट पहनने का मन नहीं करता, समथिंग लाइक, एंड मुझे कुछ कैरी करना उतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी लाइक दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर, एंड दिस वन इज लाइक अ स्कार्फ, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। और सेंड किया मम्मी ने मेरे लिए लाइक टी शर्ट के साथ वेयर करने के लिए पैंट्स, सो दिस वन एंड दिस वन, दिस इज अ ब्लैक कलर, दिस इज अ ग्रीन कलर। और मम्मी ने सेंड किया है कुछ कुर्ती, लाइक थ्री कुर्ती आर देयर, सो थ्री कुर्ती में सबसे पहला ये मैं शो कर रही हूँ, दैट इज़ अ ब्लू कलर विथ बाटिक प्रिंट, आई थिंक सो इसे बाटिक प्रिंट ही कहते हैं, आई डोंट नो, बट वाइट कलर के प्रिंट्स है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, लेट्स सी। अनदर वन, दिस इज अ ग्रीन कलर जिसमें प्रिंटेड है, प्रिंट्स हैं गोल्डन एंड डार्क ग्रीन के। मैं वैसे प्रिंटेड कुर्तियाँ नहीं पहनती हूँ, मैं सॉलिड कलर की कुर्तियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला मेरा वार्डरोब चेंज करना चाहती है सो लेट्स सी कितना चेंज कर पाए, क्योंकि मुझे सीरियसली सॉलिड कलर की कुर्ती ज़्यादा पसंद है पहनना, मुझे प्रिंटेड कुर्तीज़ मैं अवॉइड करती हूँ जितना पॉसिबल होगा, बट मम्मी ने बोला इस बार ट्राई करके देखो अच्छा लगेगा, मैंने बोला ठीक है कुर्ती के बारे में मुझे ऑलरेडी पता था, बट मुझे ड्रेस के बारे में नहीं पता था, एंड आई एम हैप्पी विद दैट ड्रेस रियली। और ये एक येलो कलर की कुर्ती है, मस्टर्ड येलो आई कैन से एक्चुअली, इट्स नॉट अ लाइट येलो, इट्स अ मस्टर्ड येलो कुर्ती विथ ऑरेंज एंड गोल्डन प्रिंट्स, ऑरेंज एंड गोल्डन प्रिंट्स। तो इतने सारे ड्रेसेस थे, और मम्मी ने सेंड किया है मुझे मेरा वाला हेयर बेल्ट, एक्चुअली मैं ये घर पे ही भूल गई थी जब आई थी यहाँ वापस, तो सो मैनी थिंग्स, और कुछ नहीं है, लाइक एक स्लैक्स भी है, मम्मी ने सेंड किया है स्लैक्स, मैंने मम्मी को बोला था मुझे एक स्लैक्स चाहिए, एक्चुअली यहाँ पर भी मिल जाता बट लाइक मुझे बिग बाज़ार का ज़्यादा पसंद है, और मैं यहाँ बाहर नहीं जा रही थी तो इसीलिए दैट मच, बस सो सो मैनी थिंग्स, एंड बस आई एम सो हैप्पी, रियली हैप्पी, आई कैंट स्टॉप लाफिंग एक्चुअली। और मैं अपना रूम दिखाऊंगी आप लोगों को, एज यू हैव सीन लाइक ये मेरा कबर्ड है, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख के रखा है लाइक सम मोटिवेशनल थॉट्स एंड ऑल, एंड आई विल शो यू माय रूम माय एरिया। सो एज आई वाज सेइंग अबाउट माय रूम, ये है मेरा ओवरऑल रूम, और ये है मेरा एरिया, लाइक मेरा बेड है ये,
और यहाँ पर मैंने अभी कपड़े रखे सारे, इसे मुझे फोल्ड करना है अभी, तो डिनर के लिए जाना, उसके बाद आके फोल्ड करूँगी इसे। और फिर ये अभी अभी खोला है बॉक्स, तो फिर उसका है, इसे भी फेंकना है। और मैंने ये बनाया था लाइक जब मैंने इस हॉस्टल में शिफ्ट किया उस टाइम पे, टू गेट द एक्सप्लोर ड्रीम विद फैमिली फॉर फैमिली। और मुझे ऐसे टाइप के डेकोरेशंस अच्छे लगते हैं। इवन दिस वन ऑल्सो आई हैव पेंटेड नियर द स्विच, ये मेरा चार्जर। देन दिस वन इज़ द स्माइली, ये मैंने लिया था क्रिसमस पे, मम्मी को बोला मम्मी मेरा क्रिसमस गिफ्ट, तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम्हें जो ठीक लगे अच्छा लगे तो फिर वो ले लो। तो मैंने मम्मी को पहले ही बोला था कि मुझे एक स्माइली वाला पिलो चाहिए, तो फिर मम्मी ने बोला तुम वही ले लो, मैंने बोला ठीक है। मैं यहाँ पर स्टिकी नोट्स चिपकाती हूँ, लाइक हमारा अभी कुछ दिन पहले टेस्ट था, तो यहाँ पर ड्रग्स को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो सब लिखा हुआ है। और ये था मेरा बेड, और ये अभी सीजर एंड वो, यहाँ मैं रखती हूँ पानी का बॉटल, यहाँ रहता है मेरा बिस्किट एंड कैंडीज, और यहाँ मेरा ग्लास, ये इसीलिए यहाँ है। यहाँ कुछ कॉपीज एंड बुक्स हैं, और यहाँ कर्ड का पैकेट भी देखोगे आप, क्योंकि मुझे कर्ड लगाना है बालों में, तो रिसेंट नॉट यू नो मुझे यहाँ कर्ड लगाना है, तो फिर इसलिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, आज ही लाया। और ये है मेरा मिरर, सो हेयर आई एम, ये मेरा मिरर। अच्छा, यहाँ चेयर पे मैं यहाँ पर मेरा बैग रखती हूँ, और ये मेरा हैंड टॉवल, और ये है मेरा स्टॉल जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, वहाँ मेरा सैंडल्स रखा हुआ है, माई शूज़, माई सैंडल्स, माई हील देर, और यहाँ मेरा है बैग। तो यहाँ पर है एक कृष्ण की लाइक कैन से नॉर्मल की चेन था एक्चुअली, उसका ऊपर का जो हुक होता है वो टूट गया यहाँ पर, तो इट्स फाइन, इट्स माई वन ऑफ माई फेवरेट, बिकॉज दिस की चेन वॉज गिफ्टेड बाई वाई वन ऑफ माई फ्रेंड, हर नेम इज़ राधिका, और स्कूल टाइम पे गिफ्ट किया था उसने जब वो पूरी गई थी, तो वहाँ से लाया था ये की चेन, तो रिसेंटली वो टूट गया लाइक शायद हारिया के चक्कर पे। और ये वाला आपने देखा होगा, इस पे लिखा हुआ है, ये वाला देखा है, इस पे लिखा हुआ है स्पीक अप फॉर पेशेंट सेफ्टी, स्पीक अप फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये वाला एक्चुअली हमें हैंड हाइजीन का एक प्रोग्राम हुआ था उसी पे मिला था ये बैच। एंड ये मैंने रिसेंटली एक प्लांट लिया है जो है एक सर्कुलर प्लांट, और यहाँ पर है, इसका नाम मैंने रखा है जूनियर वी। बस ये था मेरा रूम टूर, और इस साइड वाला पार्ट है मेरी रूममेट का, जिसपे उसने अपने पेरेंट्स का फोटो लगाया वहाँ पर, एंड वहाँ पर उसका शेड्यूल है, मैंने भी अपना शेड्यूल यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ मेरा शेड्यूल है, एंड यहाँ पर एक स्टिकर है जो मैंने बनाया था कलर पेंसिल के थ्रू, सो दिस इज़ ऑल। तो मैंने आपको ये ड्रॉअर नहीं दिखाया, ये ड्रॉअर पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे हेडफोन्स हैं, और कॉम है, सीज़र का पैकेट है, क्लिप्स हैं, और वॉच है, ये मैं यूज़ कर रही थी, उसका यूज़ कर रही थी, और मम्मी ने ये वाला सेंड किया है अभी येलो येलो, अब मैं पिंक यूज़ कर रही थी, अभी येलो सेंड किया है मम्मी ने, तो ये मेरा फेवरेट है, लाइक इसका शेड बहुत अच्छा है, एंड ऊपर से मॉइस्चराइजिंग भी अच्छी खासी है। मेरे वॉचेस हैं यहाँ पर, इस पे नमकीन है, और इसमें जिंजर है एक्चुअली, मैं कभी कभार जिंजर वाटर पीती हूँ, तो फॉर दैट। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें कुछ ईयरिंग्स, देन नेल कटर एंड ऑल थिंग्स, कुछ छोटे छोटे चीज़ें। यहाँ पर मेरे पेपर क्लिप्स हैं सारे, और यहाँ पर मैंने बोला आप लोगों को कि डिफरेंट कलर्स के जो स्टिकी नोट्स है वो सब है, ये भी, और यहाँ पर कुछ क्लिप्स हैं, सेलो टेप है यहाँ पर, और इसमें भी क्लिप्स हैं, इसमें फेविकॉल है, ये छोटू वाले क्लिप्स हैं, अच्छे लगते हैं मुझे, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी मैं रखती हूँ, यहाँ पर सेफ्टी पिन रखा है अगर जल्दी में यूज़ आया तो। यहाँ फेदर वाला मेरा पेन है, और यहाँ एक टेडी है,
तो बैक टू ड्रॉइंग. तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मास्क अपने सारे, लाइक N95 यूज़ करना होते हैं हॉस्पिटल में, तो N95 मास्क है यहाँ पर, सर्जिकल मास्क है. और ये टिश्यू पेपर है, नॉर्मली थोड़े बहुत यूज़ आते हैं यहाँ, ईयरबड्स रखे हैं. बस ये था मेरा ड्रॉर. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू. और ये हो रही है रिया की 12 बजे वाली केक कटिंग. रात 12 बज रहे हैं अभी, और उसकी सारी फ्रेंड्स ने मिलकर ये केक मंगवाया था, सरप्राइजली रूम डेकोरेट किया था, और रिया को इस तरह से सरप्राइज मिला. सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट, एंड दिस इज़ फ्रॉम दिव्या, दिस इज़ फ्रॉम उज़मा, एंड दिस इज़ फ्रॉम तेंजिन, एंड देयर दे आर. उज़ी, तेंजिन, आपने उसको देखा होगा एयरपोर्ट पे. और वो दिव्या है, और ये लोग का रूम का डेकोरेशन मुझे बहुत पसंद है. हाँ नहीं नहीं मैं लेती हूँ. और ये है डेकोरेशन. अब वहाँ था केक. और आज है 7 मार्च, रिया के बर्थडे का दिन. तो रिया अपने फ्रेंड लोग के साथ जा रही है रेस्टोरेंट लंच करने के लिए. तो ये उसके कॉलेज का पूरा कैंपस है, और अभी लोग निकल गए हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए. We have already came to Ginger Lake View नाम है रेस्टोरेंट का, और हम यहाँ आ चुके हैं. अब ऑर्डर होगा मेरे. आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस. सो ये है हमारा स्टार्टर, और वॉट इज द नेम फॉर द स्टार्टर टेंस? क्रिस्पी कॉर्न पेपर. सो डिलीशियस. क्रिस्पी कॉर्न पेपर, सो इट्स डिलीशियस. How you are liking it? Yeah. Awesome. Now I'll take. तो आपने जो कल डेकोरेशन देखा था उज़मा के रूम में, उज़मा एंड टेंजन के रूम में, वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया अपने रूम पे. और ये ऐसा दिख रहा है, विंडो पे ऐसे बांध दिया है. हैप्पी बर्थडे. और ये पिल्लो मैंने यहाँ पर रखा, ये पिल्लो दिव्या की तरफ से था. तो ये था रिया का पूरा बर्थडे का पूरा वीडियो. एक्चुअली रिया लोग 4 फ्रेंड अभी हैं, बेस्ट फ्रेंड उज़मा, टेंजिन और दिव्या और संचिता. संचिता यहाँ नहीं थी, घर गई हुई थी. तो बस इन तीनों फ्रेंड ने मिलकर रिया का बर्थडे को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया. तो मेरी तरफ से उन तीनों को बहुत बहुत थैंक यू कि रिया को इस स्पेशल डे को स्पेशल फील करवाया, और उसको मेरी कमी महसूस नहीं हुई.
तो मैं बहुत खुश थी सारे वीडियोस को देख के। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मेरे ब्लॉग के साथ। तो रिया को बहुत लोग मिस कर रहे थे, इसलिए मैंने रिया के बर्थडे का ब्लॉग डाला, क्योंकि ये कमेंट आया था कि रिया का बर्थडे भी शेयर कीजिएगा। तो रिया ने मुझे क्लिप्स भेजे थे जिसको जोड़ के मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाई। तो आई होप अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।